हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। कुछ लोगों को डाउट्स थे जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। डाउट्स ऐसे थे, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वो पूछना चाहते थे कि जैसे कि उनका एक ग्रुप आईपीसीसी हो या सीए फाइनल हो, इन केस अगर कोई एक ग्रुप क्लियर हो जाता है और एक अटेम्प्ट जो है एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा जो न्यू कोर्स में अगर वो जाते हैं, या कन्वर्जन का प्रोसीजर। तो कन्वर्जन के प्रोसीजर के लिए तो वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, बट उनके कुछ और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि कन्वर्जन है, इन केस अगर कोई मतलब कन्वर्ट कराना कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो खैर, जो कन्वर्जन है ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स, ये तो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। उसकी मैं नोटिफिकेशंस भी आपको दिखा देता हूँ, प्लस और भी चीज़ें हैं जो कि आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब उसके बाद जैसे कि आपका अटेम्प्ट ओल्ड कोर्स का एक्सपायर हो जाता है, तो न्यू कोर्स में जाने के बाद कौन कौन से पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, बोथ ग्रुप देना पड़ेगा या सिंगल ग्रुप देना पड़ेगा, कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं आपके डाउट्स इस वीडियो में सारे क्लियर करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको फिलहाल में बताता हूँ कि वो जो अनाउंसमेंट थी, वो अनाउंसमेंट आई थी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे, मैंने इसका लिंक शेयर कर रखा है। 9th of January 2018 को ICAI ने दो अनाउंसमेंट करी थी। एक तो अनाउंसमेंट इस बारे में थी कि आपको कौन कौन से पेपर, अगर आपने ओल्ड कोर्स में एक ग्रुप क्लियर कर रखा है तो दूसरे ग्रुप में आपको, सेकेंड ग्रुप में अगर आप न्यू कोर्स में जाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, कैसे आपको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, उसके बारे में है। तो ये तो CA IPCC एंड CA फाइनल ओल्ड कोर्स के लिए है। CA CPT अगर आप कर रहे हैं, और CA CPT के लिए खैर ये वीडियो मैं बोलूँगा कि ये नहीं है, क्योंकि CA CPT को सारे एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। फाउंडेशन का टोटल सिलेबस ही चेंज हो रखा है, मतलब CA CPT में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स है वो पहले ऑब्जेक्टिव था, अभी सब्जेक्टिव हो गया है। लॉ भी था तो उसमें ऑब्जेक्टिव अभी सब्जेक्टिव हो गया है, तो ऐसे करके चीज़ें सब्जेक्टिव हो गई हैं। तो फाउंडेशन के लिए खैर कोई, CA CPT के लिए खैर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको IPCC एंड फाइनल में क्लियर करूँगा। अब जो अनाउंसमेंट आई थी 9th of January 2018, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे दो अनाउंसमेंट आई थी। एक तो इसके बारे में अनाउंसमेंट आई थी, और सेकंड जो अनाउंसमेंट आई थी ICITSS के बारे में आई थी, कि अगर आपने ITT कर रखा है या आपने ITT नहीं करा हुआ है, एक ग्रुप आपने ओल्ड सिलेबस में दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप आप न्यू सिलेबस में देना चाहते हैं, तो आप पे ITT एप्लीकेबल होगा, ICITSS एप्लीकेबल होगा। तो ये डिटेल्स जो थी उसके लिए भी ICAI अनाउंसमेंट करी थी, वो भी 9th of January 2018 को ही। तो खैर उस ये वीडियो उसके लिए नहीं है, ICITS के लिए नहीं है। एक दो दिन में वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। हालांकि उसके लिए ऑलरेडी वीडियो एक अपलोडेड है, जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आई थी उस टाइम पे हमने अपलोड करी थी वीडियो। तो एक दो दिन में वो वीडियो भी मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ पूरी डिटेल्स के साथ, जो भी आपके कुछ कमेंट्स आएंगे। और बाकी इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स बच जाते हैं, चाहे ICITSS के हों या आपके इस वीडियो के रिलेटेड में हों, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन वीडियोस तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, तभी नोटिफिकेशंस यूट्यूब की जाएगी। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करेंटली कि इंटरमीडिएट के बारे में हम बात करें। अब इंटरमीडिएट में ये है कि पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जेम्पशंस के बारे में। एग्जेम्पशंस तब आपको होते हैं जब आप किसी पेपर में 60 और मोर इस एक्वायर करते हैं, किसी पेपर में स्कोर करते हैं 60 और मोर मार्क्स, तो आपको वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए। ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट्स के लिए तो एग्जेम्प्ट हो जाता था, तो ये तो बात थी पुराने कोर्स की। अब अगर आप ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स में जा रहे हैं, तो क्या एग्जेम्पशंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं? यस, एप्लीकेबल हैं, और वो भी 3 टाइम, मतलब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं, मतलब दोनों मिलाकर के, ओल्ड ग्रुप एंड न्यू ग्रुप दोनों मिलाकर के। जैसे मान लीजिए कि आपने नवंबर 18 का भी पेपर आने वाला है, तो नवंबर 18 में किसी ग्रुप में आपका, किसी पेपर में आपका एग्जेम्पशन आ गया, और उसके बाद आप नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक, मतलब उसके बाद मई 19 में तो आपका फिर न्यू सिलेबस हो जाएगा, मई 19 के बाद तो न्यू सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद जो है आप, मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट्स आप चाहे ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स में आप उसको ले सकते हैं नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक। अब बात करें एग्जेम्पशंस कौन कौन से पेपर आप ले सकते हैं। ये ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन का पेपर वन है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में आपको, तो ग्रुप वन का ओल्ड कोर्स का अकाउंटिंग आपको न्यू कोर्स के अकाउंटिंग में भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पेपर टू का भी, न्यू कोर्स का पेपर टू में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पेपर थ्री में थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, यहाँ पे पेपर थ्री जो है कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ओल्ड कोर्स का पेपर है, तो एक पेपर में अगर आपको ओल्ड कोर्स में एग्जेम्पशन आती है, तो यहाँ पे न्यू कोर्स में आपको दो पेपर में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस,
ये जो पेपर हैं ये इसी पेपर से निकल के बने हुए हैं, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि सेपरेट हो गया था, तो पेपर नंबर 3 न्यू कोर्स में आ गया एंड पेपर नंबर 8 में चला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 60 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पे जो पेपर्स हैं, इस दोनों पेपर्स में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इनकेस अगर आपका ओल्ड कोर्स में एग्जेम्पशन आता है तो पेपर नंबर 3 में। नेक्स्ट हम बात करें, बाकी सारे के सारे ऐसे ही पेपर्स हैं, पेपर 4 का 4 मिल जाएगा, 5 का 5 मिल जाएगा, 6 का 6 एंड 7 का 7 मिल जाएगा। तो अब बात करें हम ग्रुप वाइज एग्जेम्पशंस की। अगर आपने ग्रुप 1 पास कर लिया ओल्ड कोर्स में तो क्या होगा आपका न्यू कोर्स में। अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, स्टूडेंट हुआ है पास्ट ग्रुप 1 टू पास ग्रुप 2 ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग पेपर नंबर 8। तो जो पेपर आपका पेपर नंबर 8 है, जो कि इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस वो वाला पेपर था, वो यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपने अगर ग्रुप 1 पास कर लिए ओल्ड में, और अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता है या आपने कन्वर्जन भी करा लिया और आप किसी भी तरीके से न्यू कोर्स में चले गए, न्यू सिलेबस आपने ऑप्ट कर लिया, तो आपको ग्रुप 2 देने के लिए आपको केवल 3 पेपर ही देने पड़ेंगे। मतलब पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7। आपको पेपर नंबर 8 जो है, जो कि बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, केवल न्यू सिलेबस वालों के लिए, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देन हम बात करें ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप 2 अगर आपने पास कर लिया ओल्ड में, तो यहाँ पे ग्रुप 1 के सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं CA फाइनल की। CA फाइनल एग्जामिनेशन के लिए सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे करेंटली आपको एग्जेम्पशंस की डिटेल है, अगर आपने किसी पेपर में 60 और मोर स्कोर करा हुआ है, तो यहाँ पे पेपर 1 का पेपर 1 में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, देन पेपर 2 का पेपर 2 में, पेपर 3 का पेपर 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 6 में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेपर 6 था पहले इसका का, और जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में यहाँ पे टोटल 6 इलेक्टिव पेपर्स आ गए, जिसमें कि आपको एक पेपर चूज करना है और उसका एग्जामिनेशन आपको देना है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ इसका पेपर नंबर 6 का कोई ऐसा करस्पॉन्डिंग पेपर नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये जो पेपर है पेपर नंबर 6, इसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ये पेपर आपको देना ही देना पड़ेगा। इनकेस अगर कुछ ऐसा होता है, तो अगर ग्रुप 2 में एग्जेम्पशन आती है पेपर नंबर 6 में और आपका ग्रुप 2 इनकेस क्लियर नहीं होता, वैसे तो आपका जो अटेम्प्ट है फाइनल का नवंबर 2020 तक का लास्ट अटेम्प्ट है, तो वैसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बट पेपर नंबर 6 इनकेस अगर किसी का क्लियर नहीं होता तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पेपर नंबर 7 का 7 में आपको मिल जाएगा, 8 का 8 में मिल जाएगा। ग्रुप वाइज एग्जेम्पशन की बात करें, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज एग्जेम्पशन जो है, ग्रुप 1 अगर आपने पास कर लिया तो यहाँ पे ग्रुप 2 आपको पास करना पड़ेगा, प्लस आपको करना पड़ेगा एडवांस ICAI। ग्रुप 2 अगर आपने पास कर लिया तो ग्रुप 2 आपको ग्रुप 1 पास करना पड़ेगा फाइनल का न्यू कोर्स का, और आपको एडवांस ICAI कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही कुछ अनाउंसमेंट थी, और इसके बाद कुछ और भी लोगों को कन्फ्यूज़न आ गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपलसरी आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन या नहीं करना पड़ेगा। तो सेम मतलब जो 9th of January 2018 की जो अनाउंसमेंट थी, उसी के लिए जो आपने एक जो ICAI ने फिर से एक क्लैरिफिकेशन दी थी, तो क्लैरिफिकेशन ऑन द अनाउंसमेंट डेटेड 9th of January 2018। तो ये एक अनाउंसमेंट फिर से, इसी जो मैंने आपको अनाउंसमेंट पढ़ के भी बताई थी, इसी अनाउंसमेंट के लिए फिर से ICAI ने 22nd को अनाउंसमेंट दी थी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको कुछ ऐसे डाउट्स जो भी हैं, तो इसका भी लिंक मैंने शेयर कर रखा है वीडियो के नीचे, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपने ओल्ड स्कीम में कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ, स्टूडेंट हुआ है ऑप्शन टू कंटिन्यू इन एग्जिस्टिंग स्कीम और टू कन्वर्ट टू न्यू स्कीम आर नॉट मैंडेटरी टू कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड स्कीम टू न्यू स्कीम। मतलब मैंडेटरी ये नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऐसे ही डिटेल्स आपको दे रखी हैं इसमें, आप अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स। ये जो 1st of July 2017 से ये न्यू सिलेबस न्यू स्कीम आया हुआ था, ठीक है, तो ऐसे ही डिटेल्स हैं, तो इसका भी लिंक मैंने नीचे शेयर कर रखा है। बाकी कोई भी आपके कन्फ्यूजन्स, कोई भी आपके डाउट्स, कोई भी आपके चीज़ें हो, आप एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूं। अदरवाइज़ अगर कमेंट्स कुछ ज़्यादा आए या कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो उसकी वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जल्दी ही मैं वो वीडियो भी, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ जो ICAI के लिए है, 1-2 दिन के अंदर में चैनल पर अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू वंस अगेन for watching this video, don't forget to comment, and thank you so much and have a nice day.